रेलवे में सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को हमेशा से रेल टिकट में रियायत मिलती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से केंद्र सरकार ने इसे बंद कर दिया है। इस रियायत को फिर से शुरू करवाने के लिए आज दिनांक 28 जुलाई को वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट में रियायत सुविधा जो पिछले 2 साल से केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी, उसे पुनः प्रारंभ कराने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव शुक्ला के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल द्वारा डिविजनल रेलवे मैनेजर को ज्ञापन सौंपा गया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव शुक्ला ने बताया कि पुरुष 60 वर्ष या अधिक उम्र एवं महिला 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट किराया में महिला को 50 एवं पुरुषों को 40 की रियायत की सुविधा थी, लेकिन 20 मार्च 2020 से कोरोना व लॉकडाउन का हवाला देते हुए केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय ने इसे बंद कर दिया था। पर अब सारी गाइडलाइंस खत्म होने व सभी स्पेशल ट्रेन के टैग हटाने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकार व सुविधा रियायत व्यवस्था चालू नहीं की जा रही है। संजीव शुक्ला ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकार व सुविधा जल्द नहीं दी गई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों का घेराव किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संजीव शुक्ला पार्षद व उप सदस्य रितेश त्रिपाठी, पार्षद अनवर हुसैन, शहर कांग्रेस सचिव अरुण सिंह, सतीश सिंह ठाकुर, आदित्य उपाध्याय, सजल शर्मा, अविजय त्रिपाठी, कुणाल आसरा, नदीम सलाट, अरबाज खान एवं अन्य नेतागण उपस्थित थे। क्या माता पिता, हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन, हमारे वरिष्ठ नागरिक क्या सरकार के कदम पर बोझ लगने लग गए हैं? बस श्रवण कुमार ने यही बहुत समझा होता है, श्रवण कुमार का नाम इतिहास के पन्ने में श्रवण में अक्षर नहीं था गया। और अगर ये बोझ है तो आप नेताओं की, मंत्रियों की, विधायकों की, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, सबकी राय खत्म कर दीजिए, सबका आप कोटा खत्म कर दीजिए, आरक्षण खत्म कर दीजिए। यहाँ के आप लोगों का बनिया है तो रेलवे से सभी समस्त कर्मचारी वो आरक्षण खत्म कर दीजिए। सर, देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एज पर अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सब बराबर है तो ये विभेद क्यों? मतलब कहीं भी हम जाए एक छोटा सा टोल नाका भी पार करते तो आम जनता पूरा कर देती है, लेकिन वहां पर लिखा है वीआईपी के बारे में छूट। क्यों? जिसकी 1.5 लाख रूपये तनखा है, 2 लाख रूपये तनखा है, जिससे प्रदेश चला रहा है उसके छूट, वहां पैसा आम जनता से मिलता है। फ्री में आपको कंट्री में आपको लाखों खाना मिलता है, आपके ग्यारह सेल में घूमते हैं फ्री में, लेकिन जनता के अनाज पर टैक्स। लेकिन आज दिनांक तक अभी तक वरिष्ठ नागरिकों को जो रियायत मिलती थी वो चालू नहीं हुई। तो हम सरकार से यही मांगना है कि इस देश की जनता ने उनको अपना श्रवण कुमार समझ के उनको चुना था, लेकिन ये सरकार आज की तारीख में कपूतों की सरकार बनती नजर आ रही है। पिछले जो 2.5 साल से आप हवाला देते हैं कि 1500 करोड़ का नुकसान होता है, बोझ है हमारे ऊपर, ये रेल मंत्री जी को परसों सदन में बयान था कि बोझ होता है। क्या माता पिता, हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन, हमारे वरिष्ठ नागरिक क्या हम सरकार के कदम पर बोझ लगने लग गए हैं? अगर श्रवण कुमार में यही बोझ समझा होता तो आज श्रवण कुमार का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण वर्षों में नहीं लिखा होता। और अगर ये बोझ है तो आप नेताओं की, मंत्रियों की, विधायकों की, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, सबकी रियायत खत्म कर दीजिए, सबका आप कोटा खत्म कर दीजिए, आरक्षण खत्म कर दीजिए। यहाँ के आप लोगों का मीडिया कोटा रेलवे के सभी तो समस्त कर्मचारी वो सब आरक्षण खत्म कर दीजिए। सर, देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एज पर अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सब बराबर है तो फिर ये विभेद क्यों? भारत सरकार के द्वारा सभी गाइडलाइन समाप्त कर दी गई हैं, जब भी सभी ट्रेनों से स्पेशल ट्रेनों के टैग हटा दिए गए हैं, तब आज वापस हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों को वह सम्मान और उनकी जो सुविधाएं, जो रियायतें थी वो वापस दी जानी चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के सदन में रेल मंत्री जी इस मांग को मानने से इनकार करते हैं और साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के जो रियायतें दी जाती है उसको वो बोझ समझते हैं, जो कि बड़े शर्मनाक बात है, जो बड़े दुर्भाग्यजनक बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाहे कोरोना रहा, चाहे लॉकडाउन रहा, लेकिन नेताओं की, मंत्रियों की, विधायकों को, सांसदों को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्रियों को, राष्ट्रपति को, राज्यपालों को जो जो सुविधाएं रेल मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दी जा रही थी वो यथावत दी जा रही है और कोरोना लॉकडाउन में भी दी जा रही थी, तब उनको
कोरोना और लॉकडाउन नहीं दिखा तब उनको अर्थव्यवस्था में बोझ नहीं दिखा है। अगर वाकई में अगर ये सीनियर सिटीजन्स को रियायत देना बोझ है तो इस देश पर सबसे बड़ा बोझ इन नेताओं को रियायतें देना है, इन नेताओं को आरक्षण देना है, जो VIP कोटा है ये बोझ है। सीनियर सिटीजन का उनको जो रियायतें देती है ये बोझ नहीं है। सीनियर सिटीजन के आशीर्वाद से मोदी जी की सरकार बनी थी और लेकिन बड़े अफसोस की और दुर्भाग्य की बात है जिस नरेंद्र मोदी जी की सरकार को श्रवण कुमार समझ करके इस देश की जनता ने और वरिष्ठ नागरिकों ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया सरकार बनाई लेकिन वह श्रवण कुमार की सरकार नहीं बल्कि वो कपूतों की सरकार निकली। लेकिन आज हम यूथ कांग्रेस वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में आज मैदान में है और यदि जल्द से जल्द अगर ये व्यवस्था वापस वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में नहीं चालू की गई तो भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं प्रदेश में सबके घरों का घेराव किया जाएगा और उनके घरों में नगाड़ा बजाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।